चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एक्चुअली क्या है और ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है? चार्ल्स लॉ एक्चुअली गैस का जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है इसके बीच का एक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। इसके स्टेटमेंट को हम थोड़े देर के बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एनिमेशन के थ्रू से समझते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें कि यहां पर आपका प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, यहां पर आपका टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है और यहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहां पर गैस भरी हुई है और ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग यहां पर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर को हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करेंगे। टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो जो वॉल्यूम है गैस का वो किस तरह से चेंज होगा इसे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैस भी कम हो गया। फिर से आप इसे ध्यान से देखिए, टेम्परेचर बढ़ा घटा, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर घटा वॉल्यूम भी घट रहा है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पर जो प्रेशर है वो चेंज नहीं कर रहा है। प्रेशर क्या है? फिक्स्ड है, ये यहां पर चेंज नहीं कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर देखिए घट रहा है बढ़ रहा है। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तक यहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ रहा है, जब जब वो टेम्परेचर आपका घट रहा है तब तब वॉल्यूम ऑफ द गैस भी आपका घट रहा है। सो फाइनली हमने ये समझ लिया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ेगा और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी कम हो जाया करेगा। और यही जो रिलेशनशिप है, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो कैसा चेंज करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज कर रहा है और यही वजह से जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन में आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में दिखाया जा रहा है। तो फाइनली हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज करेगा, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाया करेगा, बशर्ते वहां पर प्रेशर क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। और इसी को हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब यहां पर एक हम लोग फिगर माध्यम से यहां पर समझ सकते हैं। यहां पे देखिए प्रेशर क्या है, 1.00 है, तो प्रेशर कोई चेंज नहीं कर रहा है, प्रेशर यहां पे फिक्स्ड है। बट देखिए यहां पर टेम्परेचर आपका बढ़ा दिया गया है 300 केल्विन और यहां पर देखिए टेम्परेचर को घटा दिया गया है। तो टेम्परेचर जब बढ़ा तो देखिए वॉल्यूम भी बढ़ गया गैस का, जैसे टेम्परेचर को हमने कम किया तो वॉल्यूम भी यहां पर कम हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर यहां पर कॉन्स्टेंट है। और इसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। सो मैथमेटिकली हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टेम्परेचर, जिसमें आपका प्रेशर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा
और जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी फिक्स्ड होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। और आपको ये पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज के। सो फाइनली हम लोग यहां पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू के टाइम्स टी। लेकिन इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय इस्तेमाल ज्यादातर नहीं करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसको और ज्यादा चेंज किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कुछ चीजें बताता हूं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पे जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, बट यहां पे टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग यहां पर T1 ले लेते हैं। ये हमारा टेम्परेचर T1 है और यहां पर हमारा टेम्परेचर T2 है। तो यहां पे हमने टेम्परेचर, यहां पर देख रहे हैं कि दो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक को T1 हमने लिया और एक को T2 लिया। और यहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इस वॉल्यूम को हम ले लेते हैं V1 और इस वॉल्यूम को हम ले लेते हैं V2। अब देखिए चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है। चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। इसको अगर हम ब्रेक करें तो V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा के T1। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड अगर हम लोग कर लें तो हमें मिलेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के। दूसरे सिचुएशन पे देखिए, हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया था, तो V2 इज इक्वल टू के टाइम्स T2। तो हम इसको इस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। अब यहां पर इक्वेशन 1 है और यहां पर आपके पास इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, और देखिए इस k के जगह पर हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज V2 अपॉन T2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, लेकिन जब हम टेम्परेचर उसी गैस पर चेंज करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा। उसी प्रकार से और भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा, दैट इज V3 अपॉन T3, नाउ V4 अपॉन T4, इस तरह से लगातार चेंज होकर इसके जो रेशियो बनेगी वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस बात को समझना है और ये मैं न्यूमेरिकली ज्यादातर पॉइंट्स को क्लियर भी करूंगा। तो एक्चुअली ये जो है, इस मैथमेटिकल फॉर्म का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व की जाती है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनली मैथमेटिकल का जो फॉर्म आया, जो फाइनली उसकी चेहरा सामने निकल के आती है, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। सो फाइनली हमने देख लिया कि जो चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में काम आती है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लेकर इस पर देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि ऑन अ शिप सेलिंग इन अ स्पेसिफिक ओशन जिसमें टेम्परेचर जो है 23.4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और उस बैलून में 2 लीटर हवा भरी हुई है। अब वॉल्यूम क्या होगा उस बैलून का जब वो इंडियन ओशन में पहुंचता है जहां पर उसकी टेम्परेचर बढ़कर 26.1
1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, बैलून में कितना हवा भरा हुआ है, 2 लीटर, मतलब कि जो बैलून का वॉल्यूम है वो भी 2 लीटर है। अब देखिए, ये उस समय था जिस समय टेम्परेचर वहां का 23.4 डिग्री सेल्सियस था। अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया, 26.1 हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, यानी 2 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो हम इसे न्यूमेरिकली क्लियर करेंगे कि रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है कि पहले जिस समय टेम्परेचर जो था वो 23.4 डिग्री सेल्सियस था, उस समय जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर था। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया होगा टेम्परेचर, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है। तो हमने इसे केल्विन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। तो कोई भी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आप उसे 273 से ऐड कर दीजिए। 273 से क्या करना, आपको ऐड करना है। तो हमारे पास डिग्री में क्या दिया हुआ था, 23.4 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने ऐड कर दिया 273 से, और ये डिग्री कन्वर्ट किस में हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जैक्ट जो फिगर हमारा आया वो ये आया। तो इनिशियल स्टेज पर टेम्परेचर वहां पर जो था वो 296.4 केल्विन था, और उस समय उस बलून में 2 लीटर एयर जो था वो भरा हुआ था। अब जैसे जैसे वो इंडियन ओशन में पहुंचे तो वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, दैट इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐड करना होता है 273 से, जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया, और तब जाकर हाँ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इतना आएगा। तो टेम्परेचर को नोट कीजिए, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है 296.4 और यहाँ पर क्या है 299.1 केल्विन। तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ता था तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाया करेगा। और इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहा करते हैं, चार्ल्स लॉ कहा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें पता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। अब इस पर हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है कि आखिरकार वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें निकालना होगा V2 की वैल्यू। तो हम इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। अब थोड़ा यहाँ नोट करें, 2.018 लीटर, और पहले कितना था वॉल्यूम, पहले था सिर्फ 2 लीटर, अब देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, 2.018 लीटर हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और इसी को हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कुछ इस प्रकार से हुआ करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसा ही ग्राफ इसका बनेगा, जो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ये बात है, जिसमें आपका प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो है वो ग्राफ बना करती है। अब ऐसे जो ग्राफ बनते हैं, जो इस तरह की स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ जो बनते हैं, उसे हम लोग जनरली आइसोबार बोला करते हैं। तो ये क्या है, आइसोबार है। अब आइसोबार क्यों बोला गया,
तो इसकी रीजन ये है क्योंकि जो यहां पर है ये हमें पता है कि जो प्रेशर है वो तो क्या है, फिक्स्ड है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए ऐसे जब हम ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उसे आइसोबार बोला करते हैं। क्योंकि आइसोबार का मतलब ही होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है प्रेशर। तो जिसमें सेम प्रेशर होता है दैट इज नोन एज आइसोबार। अब हम इस पर केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर को दिखाने के लिए कई मेथड्स हैं, जिनमें से हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, तो जब आप टेम्परेचर को सेल्सियस में बोलते हैं और जब इसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब होता है कि वो जीरो केल्विन है और इस वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोला करते हैं। ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी इससे आपका ज्यादा लोवेस्ट वैल्यू केल्विन में नहीं जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा करते हैं, या इसको हम लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर भी कहा करते हैं। तो ये जो आपका है -273 डिग्री सेल्सियस, ये लोवेस्ट टेम्परेचर स्केल है और इसी को हम एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम थोड़ा लें जैसे वाटर को लेकर, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वाटर फ्रीज कब होता है। तो वाटर फ्रीज तब होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी केल्विन में जब हम बात करें तो 273 केल्विन जब होता है टेम्परेचर, उस समय वाटर फ्रीज हो जाता है। और वाटर बॉइल कब होता है, तो आपको पता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर बॉइल करने लगता है, यानी कि उसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 373 केल्विन, तो उस समय वाटर बॉइल हो जाया करती है। तो फाइनली अगर हम लोग देखें कि केल्विन स्केल क्या है, तो केल्विन स्केल जो है एक्चुअली डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जब हम दिखाते हैं तो केल्विन स्केल जो है वो कहलाता है। अब डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 को ऐड कर दीजिए। सो फाइनली अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसमें क्या कीजिए, 273 को ऐड कर दीजिए, वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाया करेगा। अब जैसा कि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम जब भी चार्ल्स लॉ यूज करेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर होगा उसको डिग्री सेल्सियस में ना रखकर केल्विन में चेंज करना नेसेसरी होगा, तो ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मान लीजिए कि अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा सपोज कर लीजिए कि टू लीटर गैस जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है और उस समय पर -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस तक ले आया, तो बताइए कि उस गैस की वॉल्यूम क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि इसका डबल हो जाएगा, यानी कि -4 लीटर हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी हुई है उसे केल्विन में चेंज करना होता है। अब इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो केल्विन है,
केल्विन स्केल में हम जीरो से नीचे नहीं जा सकते हैं, मतलब -1, -2, -3, -5, -25 ऐसा केल्विन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो जब भी आएगा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, यानी जीरो से ऊपर की तरफ ये भागेगा, तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसमें नेगेटिव आने के चांस हैं, और जब हम नेगेटिव डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाया करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर रिलेटेड पॉइंट को डील करेंगे तो हमेशा डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है केल्विन में, ताकि इस तरह के कन्फ्यूजन से हम बच सकें।